बहुत ही इंटरेस्टिंग अब ये बात होती हुई दिख रही है कि हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या न्यू एज कंपनीज को यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखेगी, क्या एक्सटेंडेड गेन्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, तो आप देखिए जो म्यूचुअल फंड रिक्लासिफिकेशन होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं। सबसे पहले तो जनवरी में होते हैं और दूसरी बार जून में होते हैं। जून खत्म हो चुका है, अब जो दूसरी बार रिक्लासिफिकेशन होता हुआ दिखेगा वो जनवरी में आता हुआ दिखेगा। और अब ये माना जा रहा है क्योंकि जो कुछ ऐसी न्यू एज कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग दमदार होती हुई दिखी, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी पार जाता हुआ दिखा है, तो सीधा जो आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होती है उसमें लार्ज कैप कैटेगरीज में इन स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। उसमें भी आप देखिए दो ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि नाइका और जोमैटो, दोनों ही 1 लाख करोड़ के पार अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उनके मार्केट कैप, तो ये दोनों तो कंपनीज आते हुए दिखेंगी। और हाल ही में आप देखिए जिस तरह से हम देखेंगे पॉलिसी बाजार, तो ये भी यहाँ पे लार्ज कैप में आता हुआ दिखेगा। तो ये 3 कंपनीज आएंगी जो कि सीधा इसका जो डेब्यू होता हुआ दिखेगा वो लार्ज कैप कैटेगरी में होगा। और इसी के चलते आप देखिए पॉजिटिव बाइंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आती हुई दिखेगी क्योंकि उनको अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना होता है और वहां पे उनको खरीदारी करनी होती है, तो इसके चलते ये तीनों कंपनीज में इन्फ्लोज आने की बात की जा रही है। इसके सिवाय आप देखिए क्लीन साइंस, नोवोको विश्वास, आदित्य बिरला सनलाइफ और साथ ही एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, ये कुछ और नई कंपनीज हैं जो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो मिड कैप कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की वहां पे एड होती हुई दिखेगी। और इसी के चलते इन कंपनीज में भी आने वाले समय में इनफ्लोज अच्छे खासे आते हुए दिखेंगे। इसके सिवाय जो ऑलरेडी कंपनीज लिस्टेड हैं वहां पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा तेजी होती हुई दिखी है, तो इनकी अगर बात करें तो माइंडट्री, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, आईआरसीटीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां से जो ऑलरेडी मिड कैप में थी वो लार्ज कैप में आते हुए दिखेंगे। और दूसरी तरफ जो स्मॉल कैप में थे वहां से मिड कैप में आते हुए दिखेंगे। आईएक्स, हैप्पीएस्ट माइंड और नैल्को, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मिड कैप में थी लेकिन अब स्मॉल कैप में थी लेकिन अब हम देखेंगे कि वो मिड कैप में आते हुए दिखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यू एज कंपनीज का डेब्यू होगा, दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी और अब म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सीधा लार्ज कैप में शामिल होंगे। सीधा लार्ज कैप में, सर टॉप 100 कैटेगरी में, टॉप 100 जोमेटो बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल लिस्ट देख रही थी और आप देखिए सिर्फ टॉप 40 कंपनीज ऐसी हैं जिनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है।